गुड मॉर्निंग इंडिया, दिस इज अजय एंड यू आर वॉचिंग मार्केट मैचिंग मंत्रा, जो पहले अजय ब्लॉगर के नाम से जाना जाता था। आज के वीडियो में बात करने वाले गैस नेचुरल गैस के बारे में, कौन कौन सी नेचुरल गैस की इंटरनेशनल न्यूज रही है, उसके सेंटिमेंटल इफेक्ट क्या पड़ेंगे प्राइस पे, उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। फिर नेचुरल गैस का टेक्निकल चार्ट क्या कहता है, उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, रिस्क मैनेजमेंट, आज के लेवल क्या रहने वाले, आने वाले टाइम में शॉर्ट टर्म में पोजिशनल क्या रहेगा, उसके बारे में कंप्लीट पैकेज होगा ये वीडियो गाइस। शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, अगर आप उसको इसका पूरा लुत्फ उठाना है, यहाँ पे आपको नॉलेज भी मिलेगा और साथ में लेवल्स भी मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो गाइस माफी, काफी लोगों को मेरे पास आते हैं, सर हमारा पूरा परिवार, सर हमारा पूरा मोहल्ला आपका वीडियो जब लाइव आता है या आपकी वीडियोस आते हैं तब उसको देखते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गाइस मैं चाहता हूँ कि मैं डेली वीडियो पोस्ट करूँ, बट मैं कर नहीं पा रहा हूँ। सो आई एम वेरी सॉरी गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वन। ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द नेचुरल गैस न्यूज, ओके सिंपली विल गो हियर। यू नो दैट कि हम जो भी इंटरनेशनल न्यूज होती है उसको पहले इंटरनेशनल न्यूज का एनालिसिस करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है। जो मेरे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर है उनको तो बहुत अच्छे तरीके से पता है कि गाइस हम ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे एक मैं ये न्यूज आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे एक और न्यूज है, राइट, एंड विल टॉक अबाउट दिस न्यूज कि न्यूज के क्या इफेक्ट रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल जरूर दबाएगा, ऐसा करने से वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाएंगे। सो यूरोप टर्न्स टू मोरक्को फॉर क्लीन एनर्जी, नॉर्थ अमेरिका में लूज आउट। देखिए यहाँ पे अब आपको पॉलिटिक्स समझनी पड़ेगी, अगर आपको यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं पता तो शायद आप पता नहीं कर पाएंगे। देखो होता क्या है, जियो पॉलिटिक्स बोलता हूँ मैं उसको, जो स्पेसिफिकली क्रूड नेचुरल गैस से रिलेटेड होती है। यहाँ पे देखो आपको पता है, पहले रशिया यूरोप का वॉर हुआ, तब क्या हुआ, यूरोप अपनी जिद पे अड़ गया, बेसिकली जिद पे क्या अड़ गया, अमेरिका की कठपुतली था, अमेरिका ने जैसा कहा वैसा किया यूरोप ने। अब यूरोप ने रशिया से टसल बनाई तो रशिया दूर हो गया, रशिया दूर हो गया तो यूरोप को सस्ता माल बिकना बंद हो गया, यूरोप के पास एक मजबूरी रही कि अमेरिका से महंगे दामों में नेचुरल गैस खरीदे। अब यूरोप धीरे धीरे जा रहा है मोरक्को की तरफ, क्योंकि उनको है ना मतलब क्लीन एनर्जी और ये जो रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि देखो मोरक्को जो है ना वो है ना मुझे लगता है कि एक यूरोप के लिए आइडल है, क्योंकि सब चाहते हैं, क्योंकि यूरोप को अगर आपको पता नहीं, यूरोप ऑलरेडी सोलर एंड वाइंड एनर्जी में लीडर है। आपको अगर नहीं पता तो बता देता हूँ, सोलर वाइंड एनर्जी में, तो वो अपनी साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था कि नेचुरल गैस पे जो निर्भरता है वो कम से कम हो। तो ये गुड न्यूज है गाइज, यहाँ पे आपने सुन देखा होगा कि काफी सारी कंट्रीज क्लीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, एनॉल, सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी पर जा रही है। तो ये क्लियर इंडिकेशन है, जब भी इस तरह की कोई न्यूज आती है गाइस, नेचुरल गैस में डेफिनेटली फ्लक्चुएशन होता है, तो मुझे लगता है कि ये नेचुरल गैस के लिए डाउनवर्ड मोमेंटम ला सकता है इस न्यूज के बेसिस पे, ठीक है ना। यहाँ पे देखो वाइंड एनर्जी, अगेन वाइंड एनर्जी का आया तो मार्केट में, बस मैं ये दोनों न्यूज मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहा है अल्टरनेट एनर्जी। अल्टरनेट एनर्जी कौन सी है, सोलर, वाइंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी इन ऑल, राइट, इन सब का बहुत जबरदस्त मार्केट है। लिथियम, लिथियम बैटरी का मार्केट देखो आप, अब धीरे धीरे जिंक बैटरी का मार्केट भी आने लगा है, मतलब फ्यूचर में जिंक बैटरीज भी आने लगी अगर वो एफिशिएंट पाई गई तो, राइट। तो काफी सारी चीजें हैं, तो इसीलिए गाइस नेचुरल गैस का अगर आप मेरे से न्यूज एनालिसिस करके अगर आप मुझसे पूछे ना, तो नेचुरल गैस का जो मार्केट है ना, मुझे लगता है कि जल्द ही जीरो तो मैं नहीं कहूंगा, मतलब आप ये मान के चलिए कि आने वाले टाइम में नेचुरल गैस का मार्केट कम से कम 30%, 30 to 40% डाउन जाने वाला है। तो आप सोच लीजिए कि इसकी क्या वैल्यू रहेगी नेचुरल गैस, मुझे लगता है कि जो अभी लेवल है, आपने मार्केट में आ जाता हूँ, फिर मैं स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा आपको। गाइस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना, मिस मत करना, नहीं तो आपको आधा अधूरा ज्ञान मिलेगा। अब देखिए 185.60 पे, तो काफी लोग पूछ रहे हैं कि भाई साहब अब इसका क्या है, भाई एक्सपायरी भी आने वाली है, राइट। तो देखिए यहाँ पे अगर आप एक्सपायरी के हिसाब से पूछे मुझे, तो मुझे लगता है कि एक्सपायरी के हिसाब से हमें 3 या 4 दिन में पता चल पाएगा, लेकिन अगर हम इंट्राडे की बात करें तो मुझे लगता है अगर ये 182 के नीचे गया तो आपको डेफिनेटली आपको 180 179 यहाँ पे आते हुए मिलेंगे। जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है वो 178 का पहले, उसके बाद 175 का है। तो मुझे लगता है कि अगर आप मुझसे कन्विक्शन पूछे, मैं चार्ट पे जाता हूँ पहले, ठीक है, पहले आपको चार्ट, जैसे मैं चार्ट पे आता हूँ लेवल्स बताता हूँ गाइस। यहाँ पे डिस्क्लेमर, दिस चैनल इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, जब किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती, हम नॉट सर्टिफाइड सेवर एजेंट, नॉट सर्टिफाइड इनकम फाइनेंशियल एडवाइजर, अगर आप ऑडिट करते हो सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर का सेकंड अपने आप से ट्रेड करें, क्योंकि आपके प्रॉफिट लॉस के लिए आपकी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी। वी डू ओनली पेपर ट्रेड ऑब्जर्वेशन, ओके, ओनली ऑब्जर्वेशन, नो रियल ट्रेडिंग, नो लाइव ट्रेडिंग, ओके गाइस। यहाँ पे मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ, देखो 184.80 पे, अगर आप 1 वीक का चार्ट देखें यहाँ पे तो आपको दिखाई देगा कि 1 वीक का चार्ट तो बुलिश ही बता रहा है, ठीक है ना। 1 वीक का चार्ट देखेंगे आप तो ये बेसिकली इट्स काइंड होवरिंग ऑन रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स एंड ऑल, राइट। तो यहाँ पे अगर ये 182 के नीचे जाता है तो मुझे लगता है 180, लेकिन जो रियल मोमेंटम आएगा ना
वो मुझे लगता है कि आपको है ना 178 के नीचे आता हुआ दिखेगा। मुझे लगता है 178 और 175 ये क्रिटिकल पैरामीटर्स हैं, अगर ये ब्रीच होते तो बहुत नीचे जाएगा फिर ये, ठीक है ना। और यहाँ से अगर आप मुझसे कन्विक्शन पूछे तो मैं हमेशा, आपको पता है फिलहाल शॉर्ट टर्म में मैं बहुत ज्यादा बेरिश हूँ नेचुरल गैस में, बहुत ज्यादा बेरिश हूँ शॉर्ट टर्म में। काफी लोग मुझसे शॉर्ट टर्म के बारे में पूछते हैं, शॉर्ट टर्म में अपना व्यू क्या है, तो मेरा व्यू है दोस्तों कि मैं काफी ज्यादा बेरिश हूँ नेचुरल गैस में, बहुत 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 ज्यादा बेरिश हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मुझे लगता ही नहीं कि किसी तरह का इसका कोई चांस है यार, कोई चांस ही नहीं है। रशिया यूक्रेन वॉर था, जिसको इसको ये 400-500 पे ले गया था वो भी खत्म, और एक ऑलमोस्ट एक तरीके से खत्म ही है, कोरोना की तरह मच्छर ही रह गया। कौन बात करता है आजकल रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में, राइट, ठीक है ना। और जैसे ही बूम आया मार्केट में, मुझे लगता है ये और जितने नीचे आएगा, क्योंकि बूम आएगा वो आएगा सोलर माइन लिथियम मार्केट एंड इसी में आएगा और किसी में नहीं आएगा गाइस, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे देखिए आपको मैंने आपको लेवल्स बता दिए शॉर्ट टर्म के। अगर आप बात करते हैं शॉर्ट टर्म में क्या रहेंगे, तो शॉर्ट टर्म में देखो 175 के नीचे जाता है, तो मुझे लगता है कि आपको 160 के लेवल्स यहाँ पे आते हुए इजिली दिखाई दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट की, फिर हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे आएंगे कि यहाँ पे हम कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं इनकेस हमारे साथ कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारे सारे ऑब्जर्वेशन 2.24 है, यहाँ पे अगर 2.2 के नीचे जाता है तो आपको 2.19 के लेवल आसपास आते हुए दिख सकते हैं। शॉर्ट टर्म में अगर आप मुझसे बात करें तो मुझे लगता है 2.15 के नीचे अगर जाएगा तो आपको 2.05 मिलेगा, लेकिन अगर 2.05 रीच हो गया तो 1.90 के लेवल्स भी शॉर्ट टर्म में आपको आते हुए यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। चार्ट वही है जो इंडियन मार्केट में दिखा रहा था, ऑलमोस्ट वही का वही चार्ट है। अब मैं बात कर लेता हूँ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में कि भाई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कौन सी यूज करनी चाहिए। अगर मान लो कल हम सुबह उठे और मार्केट 8% ऊपर, कल हम सुबह उठे मार्केट 8% नीचे, आप मार्केट मतलब नेचुरल गैस, ऐसा कई बार हुआ है आपने देखा है, तो हम स्ट्रैटेजी कौन सी अपनाएं ताकि हम इन चीजों को कवर कर सके। उसके लिए मैंने मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया, आप वहां जाके जा सकते हैं अगर आप जुड़े हुए ट्रेनिंग प्रोग्राम से, नहीं तो मैं यहाँ पे आपको एक आउटलाइन बता देता हूँ कैसे है। 184.90, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है देखो, अब आपको ये पता है, सबसे पहले तो आप ये चेक करें कि वॉलेटिलिटी चेक क्या है। वॉलेटिलिटी चेक हमारा मतलब होता है हम एक यहाँ पे एक गणना करके हम निकालते हैं कि इस मंथ में वॉलेटिलिटी कितना रहा है। तो इस मंथ में जैसे मान लो एग्जांपल +-4% वॉलेटिलिटी रही, +-4%। अब आप ये डिसाइड करें कि अभी करंट प्राइस का और इसका रेजिस्टेंस का है। देखो इसका जो पहला रेजिस्टेंस है 190 का है, राइट, 190 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब हम बोल रहे हैं +-4% की वॉलेटिलिटी। अब यहाँ पे सोचो 85% पे आप 4% कितना होता है आपका, अराउंड 18-52, ये ऑलमोस्ट होता है आपका मोर देन अराउंड 6, यू नो +-, अराउंड 6, सो 190, सो इट्स गिविंग अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन। ओके, तो यहाँ पे ना आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लियर कट अपना वॉलेटिलिटी चेक यहाँ पे मेंटेन्ड हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर ये प्राइसिंग अपनी वॉलेटिलिटी चेक कंट्रोल कर रही है। देखो वॉलेटिलिटी चेक नया मेरा कंसेप्ट है, मेरा ओन कंसेप्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो फिट बैठ रहा है, फिट बैठ रहा है इसका मतलब, मार्केट भी करेक्ट होकर चल रहा है, मार्केट भी जानता है कि मेरी यहाँ पे जो अगला रेजिस्टेंस है 190 का है। तो मार्केट ये दिखाना चाह रहा है कि मार्केट अब नीचे ही जाएगा, तो मार्केट यही यहाँ पे शो कर रहा है कि नीचे जाएगा। मैं बीरिश हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये 190 ब्रीच करेगा, क्योंकि सारे इंडिकेशन यही है कि ये नीचे की तरफ जाएगा गाइस, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि गाइस आपको मुझे वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देगा। और गाइस काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि सर यार आपके लाइव सेशन नहीं आते, आपके वो नहीं आते, क्योंकि गाइस बहुत मुश्किल रहता है काफी सारे मल्टीपल वीडियोस अपलोड करना है यहाँ पे। तो मैं लाइव सेशन करता हूँ, लेकिन मैं जो भी मेरे चैनल के मार्केटिंग करते हैं उनके साथ सब जूम पे ही कर लेता हूँ गैस, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट वंस इन अ वीक डेफिनेटली आई विल गो फॉर लाइव सेशन, आपको मिलते रहेंगे गैस। विद दिस नाइसफुल एंड नोवल थॉट, दिस इज अजय एंड साइनिंग ऑफ।